नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे भूगोल से संबंधित सभी ऑनलाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर। आगे बढ़ेंगे, वह ग्रह जिसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, वो कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। आगे देखते हैं, वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, वो कौन सा जल डमरू मध्य है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, नोट लगाएंगे इसके आगे। पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण है, पृथ्वी पर मौसम को बदलने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना। आगे देखते हैं अगला, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर होता है। आगे देखेंगे, वह अक्षांश जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा पर। पेशेंस बनाए रखिएगा, एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखेंगे और आपको एग्जाम में फंसेंगे भी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कहाँ पर? तो जलवाष्प H2O की। देखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद कर लेंगे आप। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान कहलाता है वृक्ष रहित, वो क्या कहलाता है? तो पंपास कहलाता है, भूलिएगा नहीं। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो कौन झील है? तो विक्टोरिया झील है। आगे देखते हैं, तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से है। नेक्स्ट, वह राज्य जहाँ तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ पे? उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? तपोभूमि कहा जाता है, या देवों का भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध का संबंध है, यानी हीरा कुंड बांध कहाँ पे है? तो महानदी पर है। अगला देखते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जिसे स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम अवस्थित है। कहाँ पे? तो मेघालय में। देखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये मेघालय वाला। ये देखिएगा नीचे, शिव समुद्रम परियोजना निर्मित है कहाँ पे? तो कावेरी नदी पर है, याद कर लीजिएगा इसे। वह हिंदू त्यौहार जिसे थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो दीपावली का जो त्यौहार है, तो थारू लोग इसे क्या मनाते हैं? तो शोक के रूप में इसे मनाते हैं। अगला देखिएगा, वह भारतीय द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम द्वीप है। अगला देखते हैं, रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, वे दो पर्वत श्रेणियाँ जिनके मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो बृहत हिमालय व पीर पंजाल। नेक्स्ट देखते हैं, वह सीमा रेखा जो भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है, वो कौन सा रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा लगती है, क्या है उसको, क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं।
आगे देखेंगे वह राज्य जहाँ भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है दोस्तों? तो गुहार मोती या गौर माता, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता कहाँ पे है? तो गुजरात में है, गुजरात राज्य में। आगे बढ़ेंगे, औंज जनजाति का संबंध है, औंज जनजाति का संबंध है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। आगे देखते हैं, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक प्रजाति है? तो गेहूं की है। आगे देखते हैं, भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है, भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। आगे देखते हैं, वह शैल तंत्र जो भारत के कोयला नीचेयों का प्रमुख स्रोत है तो कौन सा है? गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह राज्य जहाँ नामफू कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य या नामदफा नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।